और वो एक मिनट के लिए जब लिक्विड पड़ा मेरे बदन पे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने बर्फ़ का पानी डाल दिया और एक मिनट के बाद एकदम जलन शुरू होने लगी तब तो उन्होंने इलाज तो बोला हो नहीं सकता पूरा पैर आपका और हाथ सड़ गया और काटने का दो लाख रुपए आपका लगेगा दरवाज़ा खिड़की बंद करो बोलते थे क्योंकि हमारे घर में से बहुत बुरी बाँस आती थी क्योंकि बॉडी मेरी सड़ चुकी थी मैं मेरे बच्चे थे पाँच साल के वो बच्चों को देखने वाला कोई नहीं था मुझे उनको दिखाना था कि कितना भी आप एसिड डाल दो तो कुछ भी हो जाए औरत कभी कमजोर नहीं है एक माँ कभी कमजोर हो ही नहीं सकती है को बोलते हैं ना हम मरने के बाद जहन्नुम देखा जाता है लेकिन हमारे जीते जीत उन्होंने हमको जहन्नुम दिखा दिया यहाँ पर हमें अक्सर ये चीज सुनने मिलती है खूबसूरती सब कुछ नहीं होती है लेकिन मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये बस क्या सच है आ, मेरा नाम दौलत भी खान है जस्ट टॉक में मैं यहाँ पे आई हूँ और अपनी स्टोरीज़ बयान करना चाहती हूँ और मैं बेंगलोर में पैदा हुई हूँ और रहने के लिए मुंबई में हूँ ये एसिड अटैक होने से ही मेरी लाइफ सर्वाइव नहीं कर रही हूँ मैं जब मैं छोटी थी थर्टीन इयर्स की तभी मेरी शादी की गई थी बिकॉज मेरे पप्पा की डेथ हो गई थी थे जो हमारे जीजा है उन्होंने मेरे फादर को बहुत टॉर्चर करके ही उनको मार दिया था तभी भी मम्मी बेचारे अकेले थे और हम पांच बेटी थी तो उनको डराया था अगर आप ये केस वापस नहीं लेंगे तो बच्चों को भी मार देंगे तो मम्मी बेचारे मुंबई में कोई नहीं था उनका सहारा और वो बहुत अकेले थे तो हम छोटे छोटे थे ये मजबूरी से उन्होंने केस को वापस ले लिया और वो पहले से मम्मी को बहुत टॉर्चर करते थे दो हज़ार दो की बात है मेरी मम्मी की उन्होंने एक बार बीच चौराहे में ही पैर तोड़ दिए थे जबकि पुलिस की गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी तो भी किस किसी ने पुलिस ने आके उनकी हेल्प नहीं किया फिर बहुत छोटी उम्र में ही मेरी पहले शादी कर दी गई थी तेरह साल की उम्र में क्योंकि मम्मी को ऐसा लगता था कि उनके हस्बैंड आ जाएंगे तो मेरी बेटी एक प्रोटेक्ट हो जाएंगी उसको संभालने वाला कोई आ जाएगा बोल के इस तरीके से मम्मी ने शायद उन्होंने ये थिंकिंग सोची लेकिन ये मम्मी की गलत फहमी थी तेरह साल एक उम्र होती है बचपना जीने की लाइफ में हम पहली बार मतलब जवानी होती है जो हम देखना चाहते लेकिन उतनी छोटी उम्र में उन्होंने शादी का बोझ डाल दिए और मम्मी की ये थी कि वो हस्बैंड बहुत अच्छा होगा लेकिन वो इतना जाहिल इंसान था वो बहुत ही टॉर्चर करना छोटी छोटी बात पे मारना कभी मैं काम पे जाती थी क्योंकि खर्चा बिरचा कुछ नहीं देता था मम्मी ही के घर में रहना पड़ता था मम्मी ही बेचारे खर्चा देखते थे तो मैं काम पे कभी निकल जाती तो इतना बुरी तरह मारते थे कि दो दो डॉक्टर आने पड़ते थे इतना बुरा मुझे टॉर्चर करते थे फिर ऐसे ऐसे करके लाइफ कैसे भी स्ट्रगल हुई एक बेटी हुई फिफ्टीन ईयर्स में ही मेरी बेटी हो गई फिफ्टीन ईयर्स में होने के बाद में धीरे धीरे अभी से ही आदमी सही समझ में लगेगा ये करेगा सुधर जाएगा बेटी होने के बाद लेकिन वो कभी सुधर आए नहीं फिर आ, मेरी 20 साल की उम्र में तीन टिप्लेक्स बच्चे हो गए तो मम्मी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो हॉस्पिटल में भी खर्चा पानी अफोर्ड कर पाए इसीलिए उन्होंने घर पे लेके आए क्योंकि वो आदमी कुछ देता ही नहीं था उस पर भी ला के स्टील के बेल्ट से मारता था वो तो मुझे मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगता था कि कुछ कमाता नहीं है बच्चों का खर्चा नहीं देता उल्टा हुआ या औरत को मारता तो उसी टाइम मम्मी ने डिसीजन लिए कि तुम अगर मेरी बेटी को ऐसे मारते रहोगे अगर वो जिंदा रहेगी तो अपने बच्चों को कहीं से भी मंग के अपने बच्चों को पाल सकती है अगर मर जाएंगी तो बच्चे कौन देखेगा तो आप उससे अच्छा छोड़ ही दो फिर ये आ, मम्मी का एक दिन ऐसी एक्सीडेंट हो गया और मम्मी की डेथ हो गई ट्रेन से ट्रेन के इधर से क्रॉस करने जा रहे थे तो किसी ने पीछे से घसीटा था ट्रेन से तो कुछ नहीं हुआ लेकिन जो खींचा था उसी में उनका हार्ट पे अफेक्ट पड़ के उनकी डेथ हो गई थी जो मेरे जीजा उस टाइम आके वापस से जो मम्मी के साथ उन्होंने स्टोरी शुरू किया था जो मम्मी को टॉर्चर करके हमेशा पैसे लेते थे तो उन्होंने वो सिलसिला मुझ पर शुरू किया क्योंकि मेरे हस्बैंड तो थे नहीं और मेरे बच्चे भी उस टाइम छोटे ही थे और मेरा अपना ख़ुद का घर था इधर बैंड्रा में तो वो हमेशा आते थे मुझसे शादी करो बोल टॉर्चर करते थे तो शादी करो तो मैं बच्चों का खर्चा दूंगा मैं अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा दूंगा ऐसे करके रोज़ आके कुछ तो कुछ मैटर पे आके ये करते तो मैंने चार बार जाके उनके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट की तो पुलिस हमेशा यही चीज़ बोल के छोड़ दी कि आपके फैमिली मैटर है आप फैमिली कोर्ट में जाओ ऐसे करके फिर एक दिन जो मेरी सिस्टर है उनकी वाइफ नजमा उन्होंने क्या किया एक बार घर अंदर के अंदर आके रात को 10 बजे हमारा गैस का सिलेंडर उड़ा खोल के हमको मारने की कोशिश की तभी भी मैंने हंड्रेड नंबर पे पुलिस से मदद मांगी पुलिस आई और उनको लेके गई लेकिन पुलिस ने उनके पर कुछ कार्रवाई ही नहीं की फिर एक दिन उन्होंने हमने फिर उनसे बिल्कुल भी बात करना फ़िफ्टीन डेज़ तो हमने बिल्कुल बंद कर दिया फिर थोड़े दिन के बाद उन्होंने आफ्टर फिफ्टीन डेज़ उन्होंने कॉल करना शुरू किया और फिर हमको इमोशनल ब्लैक किया कि मेरे हस्बैंड को खून की उल्टी हो रही प्लीज़ मेरी मदद कीजिए अगर मम्मी रहती तो मम्मी मदद करती थी आज मम्मी नहीं है तो मेरी बहन लोग तो सपोर्ट कर सकते ऐसे करके फिर हम भी इंसानियत के नाते पिघल गए उनकी बातों पे फिर उन्होंने घर पे बुलाया जब घर पे गई तो उनके हस्बैंड बहुत अच्छे से बैठे हुए थे तब मैंने अपनी सिस्टर से पूछा अरे आपके हस्बैंड को तो आप बोल रहे थे हॉस्पिटल लेके जाने का खून की उल्टी हो रही है तो वो तो अच्छे से बैठे तो उन्होंने ये चीज़ बोला नहीं हम आपसे आज के बाद में रिश्ता तोड़ना चाहते हैं इसीलिए क्लास तुम्हारे से मिलना चाहते हैं ऐसे बोली उन्होंने पका के खिलाया सब अच्छे से किया और बोले मैं थोड़ी देर में कपड़ा चेंज करने जा रही हूँ बोल के उनका घर बाजू में उन्होंने रेंट पे लिया था ये एसिड अटैक करने के लिए वो भी घर एक हवलदार का ही घर उन्होंने रेंट पे लिया था वो फिर बाद में कपड़े चेंज करके आए और मैं ऐसी चेयर पर बैठी हुई थी तो सडनली मुझे चेयर पर उन्होंने मेरी जो नजमा सिस्टर है उन्होंने लात मार दिया चेयर पे तो मैं गिर गई और पीछे एक बर्तन का स्टैंड था तो उसमें जाके मेरा ये रिंग्स पहनने की मुझे बहुत आदत है और रिंग्स में मेरा उंगली जाके फंस गया और खून शुरू हो गया ब्लड तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई कि देखो नजमा ने मुझे गिरा दिया और मेरी अंगूठी फंस के मुझे खून निकल रहा है फिर जो दूसरी सिस्टर थी उसके नेल्स बड़े थे वो आई वो आके मेरी हेल्प करने लगी तो सडनली मेरे जीजा वहाँ से भागते आए इकबाल आके मुँह के ऊपर उन्होंने लिक्विड डाला ऐसा और वो एक मिनट के लिए जब लिक्विड पड़ा मेरे बदन पे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने बर्फ़ का पानी डाल दिया और एक मिनट के बाद एकदम जलन शुरू होने लगी तब मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि ये इन लोग ने इकबाल ने एसिड डाल दिया धोखा दिया हमारे पे तो मेरी जो दूसरी बहन मेरे बाजू में बैठे थे वो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो जो मेरी सिस्टर थी नजमा उन्होंने पर्स में से निकाल के उनके पर एसिड डाल दिया उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उस के गोद में एक छोटी सी बच्ची है वो बच्ची का क्या हाल होगा ये एसिड से और फिर घर में पूरा धुआं धुआं होने लग गया जो उन लोग भी ज़ोर जोर से चिल्लाने लग गए क्योंकि एसिड बहुत ही जलन होती है सोचो हम वो ज़मीन में या दाग धब्बे निकालने के लिए हम ये एसिड यूज़ करते और हमारी बॉडी सेंसिटिव होती है वो चीज़ पे अगर ये एसिड पड़ता तो कितना बुरा दर्द होता है फिर हमने मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी भागो हॉस्पिटल तो हमने जो बॉडी में पूरे कपड़े हैं एसिड की वजह से पूरे चिपक चुके थे हमारे और वो मेरी सिस्टर को मैं चिल्लाई थी पानी डालो बॉडी पे पानी डालो जल्दी से तो ड्रम था वो दो सिस्टर पानी डाल रहे थे लेकिन जो छोटी बच्ची थी वो बेहोश हो चुकी थी उसके सरविर पे फेस पे पड़ गया था एसिड तो मैंने फ्रिज में से बोतल निकाल के बच्ची पे डाला लेकिन बच्ची बेहोश हुई थी तो मैं चिल्लाया चलो हॉस्पिटल फिर हमने ये बदन पे के कपड़े निकाले और दूसरे कपड़े हमने बॉडी में डाले तो वो कपड़े भी हमारे बॉडी में छिपक गए आप सोच सकते हैं केमिकल कितना ख़तरनाक था कि हम कपड़े चेंज करने के बाद भी हमारे बॉडी में चिपक गए थे फिर हम कैसे कैसे करके बाबा हॉस्पिटल गए लेकिन बाबा हॉस्पिटल में बंस डिपार्टमेंट नहीं था बेंड्रा में फिर उन्होंने रात के तीन बजे हमको के हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया और तीन बजे हम जब गए क्योंकि हमारे आँखों में सबके एसिड जा चुका था तो उन्होंने जाके वो ग्लूकोस से सब आंखें वॉश तो की लेकिन दो दिन तक मैं बेहोश हो गई थी मुझे कुछ होश ही नहीं था दो दिन के बाद जब होश आया तो ये आंखें पूरी चिपक गई थी मेरी और फेस का तो जो दो सिस्टर्स थी मेरी उनका वन साइड से ही जला हुआ था तो के एम हॉस्पिटल में बंस डिपार्टमेंट जो है अंडर कंसेक्शन में था कुछ वो नहीं हमको डायबिटीज़ रूम में रखा गया 15 डेज हम डायबिटीज़ रूम में थे कोई ड्रेसिंग के लिए नहीं आता था वहाँ पे तो मेरी सिस्टर उन लोग ख़ुद मुझे नहलाते और उन लोग ही मुझे ड्रेसिंग करते फिर 15 डेज़ के बाद में उन्होंने हमको बंस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया तो वहाँ से हमारा लेकिन वहाँ पर भी ये फैसिलिटी नहीं थी सुबह चार बज के उठ नहाने के लिए इतना सी गर्म पानी देते थे इतनी बड़ी बॉडी में इतना गर्म पानी कैसे होगा और नहाना कंपलसरी डेली नहाना ज़रूरी था हमारे लिए फिर हम लोग मजबूरी से वो ठंडा ही पानी बदन पे डालते फिर डॉक्टर का वेट करते सुबह चार बजे नहा के डॉक्टर का दो दो बजे तक हमको वेट करना पड़ता और बॉडी में हम कुछ नहीं पहन पाते थे क्योंकि मेरी बॉडी पूरी जल चुकी थी ग्रीन कलर की चादर से मुझे लपेट के बैठना पड़ता इतने बार सिस्टर्स जा जाके डॉक्टर्स को बुलाते थे कि आके इनकी ड्रेसिंग कर दो लेकिन डॉक्टर्स आते ही नहीं थे फिर तंग आके बेचारे आया भाई लोगी मेरी ड्रेसिंग कर देते थे और जब भी हमारे पास पैसा नहीं होता तो हमारी ड्रेसिंग रोक दिया जाती थी जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट देने का है लेकिन तभी भी नहीं मदद होती थी जब तक हम सर्जरी का सामान ला नहीं देते थे तब तक हमारी सर्जरी नहीं होती मेरी जिंदगी का मैं वो भूल ही नहीं सकती हूँ मेरी सर्जरी उन्होंने जहाँ हम ड्रेसिंग करते हैं वहाँ पर मेरा सर्जरी किया है सर्जरी का एक ऑपरेशन थेटर होता है लेकिन वहाँ पे वो भी अवेलेबल नहीं था उन्होंने ड्रेसिंग रूम में ही मेरी सर्जरी कर दी यानी ज़िंदगी को बोलते हैं ना हम मरने के बाद जहन्नुम देखा जाता है लेकिन हमारे जीते जीत उन्होंने हमको जहन्नुम दिखा दिया यहाँ पर और फिर डॉक्टर आते थे रात को कभी भी आ जाते रात के एक बजे दो बजे रात को आते और आके बॉडी पे ड्रेसिंग मेरी करने के बाद पूरा सूख जाती थी ड्रेसिंग तो उसको गीला करके निकालना चाहिए लेकिन डॉक्टर इतनी ज़ोर से खींच देता था और विनीगर डाल के बॉडी को मेरा वाइप करता था इतना मतलब मौत तो अच्छी थी उस टाइम पर हकीकत में मौत अच्छी होती थी लेकिन रोज तड़प के मरते थे रोज तड़प के डॉक्टर की आहट से मुझे डर लगता था कि और फिर मैं चीख के रोती थी मुझे नहीं रहना यह हॉस्पिटल में बहुत तकलीफ़ होती है ऐसे करके कैसे करके हमने दो महीना वहाँ पे गुजारा फिर मेरी सिस्टर को मैंने बोली मुझे नहीं रहना है मैं जब मरना है तो मैं अपने घर पर जाके मरूँगी मैं हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहती हूँ और मैं रोज़ तिल तिल करके नहीं मरना चाहती हूँ मैं एक ही बार मर जाऊँगी चलेगा फिर मेरी सिस्टर वो खुद एक ऐसे विक्टिम थी उसका खुद का पूरा सर्जरी हुआ था तो क्योंकि हमारे कोई भी रिलेटिव नहीं थे और उस टाइम तक तो कोई भी सपोर्ट के लिए आगे नहीं आया था तो मेरी सिस्टर खुद वीर चेहर पे लंगड़ते लंगड़ते वो खुद मुझे लेके रात के 12 बजे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके खुद वो इतना हम लोग को आया भाई जो वार्ड बॉय बोले आप लोग घर पे जाएंगे ना मर जाएंगे सड़ जाएगी बॉडी आपकी लेकिन हमको हॉस्पिटल में रह कर रोज रोज़ तिल तिल की मौत की ज़िंदगी नहीं चाहिए थी फिर रात के बारह बजे मेरी सिस्टर घर पर लेके गई और वहाँ पर पूरा पैसा हमारा ख़त्म हो चुका था क्योंकि घर के चार लोगों पर एसिड अटैक हुआ था और उस टाइम बहुत ही महंगा इलाज भी था क्योंकि एक एक इंजेक्शन हमारी तीन तीन हज़ार रुपये की आती थी बिकॉज ये पूरा चेहरा हमारा ऐसा सूज गया था तो वो सूजन उतारने के लिए हमको तीन तीन हज़ार की इंजेक्शन लगती थी फिर घर पे गए पैसे पूरे ख़त्म हो गए और पूरी बॉडी मेरी सड़ना शुरू हो गया पूरा पीपल्स भर गया था मेरे बॉडी में और फिर दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके होली फैमिली हॉस्पिटल है मेरी बहन ने वीर शैर पर ही लेके मुझे जाके डॉक्टर को दिखाया तो ये हाथ और ये पैर पूरा मेरा सड़ गया था और मैं कभी सोची भी नहीं थी मैं वापस ये पैर पे खड़ पाऊँगी तो उन्होंने इलाज तो बोला हो नहीं सकता पूरा पैर आपका और हाथ सड़ गया और काटने का दो लाख रुपये आपका लगेगा तब इतनी बुरी शौक़ लगी कि हम इलाज के लिए आए डॉक्टर के पास और डॉक्टर हमारा खुद का हाथ और पैर काटने के लिए बोल रहे हैं जबकि पूरा चेहरा मेरा जा चुका था अगर मेरा हाथ पैर भी चले जाएगा तो मैं जीऊ कैसे फिर हम वहाँ से निकल गए और हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था ट्रीटमेंट कराने के लिए तो मेरी बहन हमने कुछ फाउंडेशन को फोन किया गूगल पे जाके सर्च किया था कि फ़ाउंडेशन होती है अटैक विक्टिम की मदद करने के लिए तो हमने बहुत एन जी को अप्रोच भी किया कि हमको ऐसी ऐसी ज़रूरत है बहुत तकलीफ है हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं आगे ट्रीटमेंट करने के लिए ना बच्चों को खाना देने के लिए क्योंकि उसमें आ, हम लोग चार लेकिन उसमें मेरे बच्चे थे पाँच साल के वो बच्चों को देखने वाला कोई नहीं था उनको रोज़ उनको खाने की तो ज़रूरत होती थी छोटे बच्चे थे उन लोग उसमें हमारी दवाई का खर्चा बच्चों का भूख कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम मैं करूँ क्या तो अभी हम हमारे साथ कोई मदद के लिए नहीं था घर में हम लोग वो एन से मदद मांगते तो उन वो आते थे घर पे न्यूज़ वाले को भेजते थे फ़ोटोज़ लेते थे लेकिन कभी सर्जरी की उनके तरफ से हमको कभी मदद ही नहीं मिली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं बेड पे से उठ ही नहीं पाती थी उस टाइम मेरा सिक्सटी फाइव किलो वेट था डायरेक्ट थर्टी किलो पे आ गया था पूरी बॉडी मेरी छः महीना बिल्कुल भी मैं कपड़े नहीं डाल सकती बिल्कुल बॉडी मेरी निकल पड़ी रहती थी और फिर जो मेरे नेबर्स थे वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे घर से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खिड़की बंद करो बोलते थे क्योंकि हमारे घर में से बहुत बुरी बास आती थी क्योंकि बॉडी मेरी सड़ चुकी थी और वो लोग बोलते थे तुमको देख के डर लगता है तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था ना घर से बाहर निकल सकते ना बाहर की हवा हम ले सकते थे इतनी बुरी ज़िंदगी हमने एक छोटे से रूम में हमने घुटन की ज़िंदगी जीना पड़ा और उसमें मेरे बच्चों का क्या कसूर था उसमें मेरे बच्चे भी पीसे गए हमारे साथ में कुछ बोला ना छ महीना ना दवाई के लिए पैसा था ना खाने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्योंकि हमने जो घर था वो भी सेल कर चुके थे हमारे ट्रीटमेंट के लिए लेकिन वो पैसे बस ही नहीं हुए हमारे इलाज के लिए फिर कैसे कैसे करके मेरी जो बड़ी बेटी थी वो ग्यारह साल की थी वो बोलती थी मम्मी अगर आप बिस्तर में पड़े रहोगे तो लाइफ टाइम आप बिस्तर में पड़े हो जाओगे आप कोशिश करो खड़ने की आप में हिम्मत लाओ तो मैं कोशिश करती थी खड़ने की लेकिन उतनी ताकत नहीं क्योंकि खाने के लिए भी कुछ नहीं था बॉडी में और ऑलरेडी एसिड की वजह से मेरी बॉडी गल चुकी थी फिर भी बच्चों की जो भूख थी बच्चों की जो तड़प थी वो देख के मेरे बोलते एक औरत एक माँ वहाँ मा से कुदरत ने मुझे हिम्मत दी कि मैं अपने बच्चों को ऐसा तड़पते नहीं देख सकती ठीक है अपनी मेरा दर्द से ज़्यादा मेरे बच्चों की इस टाइम भूख थी मेरी बहनों की भूख थी उस टाइम मेरी बहनों का दर्द था तो उस टाइम खड़ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था और लोगों से मदद भी मांग के कुछ नहीं हासिल हो रहा था फिर कैसे वैसे करके कोशिश किया खड़ने की और सबसे पहले हमारा यही था हमारा केस को सही करना क्योंकि केस हमने जो स्टेटमेंट लिया था पुलिस ने हमारी मदद नहीं करी और केस हमारा सब झूठा लिखा गया था हमने गाड़ी का नंबर से लेके आरोपी के कपड़े सब बताया था टाइमिंग क्या पहना है कौन से गाड़ी में गए कौन सा गाड़ी का नंबर सब बताने के बाद भी उसको अरेस ही नहीं किए और आरोपी हमको धमकी देते थे केस फाइल करोगे तो बच्चों को एसिड डाल देंगे फिर मैंने इधर उधर पढ़ के हेल्प करके मांगा पुलिस चौकी में रोज जा जा के बैठती थी मैं खड़ के कि मुझे प्लीज आप हमारा स्टेटमेंट को सही करो आरोपी को पकड़ो जबकि पुलिस देखती थी मेरे बदन से खून जाता रहता क्योंकि मैं खड़ने की कोशिश करती तो मेरा ब्लड जाता था फिर भी पुलिस ने फिर एक दिन वो पुलिस को रहम आया रात को 11 बजे आके हमारा वापस से स्टेटमेंट लिया गया और फिर उनको केस को फाइल करे लेकिन उनको अरेस्ट नहीं हुए थे कभी खाली वो नजमा ही अरेस्ट हुई थी और एक बार उनका बेटा जो तीन आरोपी में से दो आरोपी अरेस्ट ही नहीं हुए थे फिर धीरे धीरे खड़ना शुरू किए फिर मैंने जॉब के लिए अपने सुपरवाइज़र को फ़ोन किया कि मैम मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़रूरत है तो उन्होंने बताया मैं इतना टाइम कहाँ थे तुम तो मैंने बताया मुझ पर ऐसे ऐसे हो गया था और मैं हौस घर पे ही थी मैम मेरा पूरा चेहरा ये हो गया तो उन्होंने फ़ोटो भेजने बोला और मैंने फ़ोटो भेजा मेरे सुपरवाइज़र को तो उन्होंने बोले कि देखो दौलत भी हमारा काम है लोगों को खूबसूरत बनाना लेकिन आज आपका चेहरा इतना अगली हो गया है कि आपको काम इस फील्ड में मिल ही नहीं सकता तो सबसे पहला झटका मुझे वही लगा बहुत ही बुरा लगा क्योंकि एक मेरा जब मैं काम पे निकलती थी, तो सामने से सुपरवाइजर मेरे को बुलाते थे क्योंकि मेरा काम का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था लेकिन आज ये चेहरे की वजह से ऐसा हो गया कि मुझे जॉब भी नहीं मिलने के लिए फिर मैं जाके मेरे घर के पास बिल्डिंग थी बिल्डिंगों के पास जाके मैं मेट की जॉब के लिए ये करती थी कि एटलीस्ट मुझे जॉब मिल जाए और मैं अपने बच्चों का पेट पलूँ और अपनी ट्रीटमेंट करवाऊँ लेकिन वहाँ पे जब मैं जाती थी तो पूरा फेस मेरा कवर होता था क्योंकि ये तो अभी आपके सामने सेवनटीन सर्जरी हुई तो मैं आप लोग के सामने इस तरीके से खड़ी हूँ सत्रह सर्जरी के बाद तो आप सोचो मेरी सत्रह सर्जरी अगर नहीं हुई होती तो आज मैं कैसी रहती थी तो लोग लो बोलते थे ये अपने चेहरे इतना कवर क्यों किए क्योंकि ये पूरे मेरे हाथे सब जले हुए थे ये पूरा मैं ग्लव्स पहनती थी और ये पूरी आंखें जो है पूरी यहाँ पे उतर चुकी थी मेरी तो बहुत डरावनी लगती थी तो मैं पूरा स्पेस डाल के कवर करती थी फेस को तो वो बोलते इतना कवर क्यों करें आप तो फिर मैं मजबूरी से बताती थी तो बोलते थे चेहरा खोलो जब चेहरा देखते इतनी ज़ोर से बाहर निकलो बोल के दरवाज़ा रब करके मेरे मुंह पे बंद करते तो बहुत ही मतलब थोड़ी देर के लिए मतलब दिमाग ये हो गया मेरा सुन जैसे हो गया कि लोग इतना कैसा मेरे साथ कर सकते ये हमारा क्या कसूर था इसके अंदर हमने बोला किसी को बस सूरत हम तो कुदरती खूबसूरत पैदा हुए थे लेकिन कुछ लोगों की गंदी मैंटलिटी की वजह से हमारा फेस उन्होंने ऐसा कर दिया तो उसमें हमारा क्या कसूर है आप हमको सपोर्ट करना चाहिए था लेकिन इस तरीके से मैं मेहनत ही करना चाहती थी लोगों के सामने भीख तो नहीं मानना चाहती थी और मेहनत करके अपने बच्चों को पाल के अपनी सर्जरी कराने के लिए ही मैं काम के लिए गई थी लेकिन मुझे उसमें भी नाकामयाबी मिली कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम बच्चों को खाना दें हमारा ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करें फिर मजबूरी से उधर पे एक मस्जिद थी वो मस्जिद के पास मैं बैठती थी जो कुछ पैसे मिलता जो खाना मिलता झुट्टा ही खाना लेकिन उस टाइम भूख मेरे लिए मेरे बच्चों की भूख ये बहुत मायने रखती थी उस टाइम मुझे ऐसा नहीं लगता था ये कि खाना झूठा है किसी का झुटा खाना नहीं खिलाना चाहिए उस टाइम वो खाना बहुत ज़्यादा कीमती था हमारे लिए लेके जाके अपने बच्चों को खिलाती बहनों को खिलाती और थोड़े थोड़े पैसे से हम खरीद के एटलीस्ट बॉडी को ठीक करने की कोशिश करते थे क्योंकि बॉडी ये पूरा खून निकलते रहता था और लोगों से भी बोलते हैं ना लोग मदद करते एनजीओ बनाए ट्रस्ट है लेकिन सही में मदद होती है पूछो आप कि मदद हमने कितना थी एक साल उनसे मैंने मदद मांगते रहेगी कि मेरा सर्जरी करवा दो मुझे ठीक होना है मुझे पैरों पे खड़ना है बोल के लेकिन बस उम्मीद देते करता कोई नहीं इसीलिए मैंने सोचा एक दिन क्यों मैं लोगों से मदद मांगूँ ठीक है मेरा चेहरा ही जला है लेकिन मेरी जो काम करने की चाहत थी जो साहस थी वो कभी नहीं मर सकती और मैं लोगों के समझो मेरे आरोपियों ने मुझे यही सोच के एसिड डाला कि मैं एक साइड में बदसूरत होकर बैठ जाऊंगी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगी भिकारी की भीख की ज़िंदगी जीऊंगी तो मुझे उनको गलत भी साबित करना था आज अगर मैं डर के घर में बेच जाती तो उनकी जीत होती थी और मेरी हार होती थी तो मैं ऐसे कभी करने नहीं देती थी मुझे उनको दिखाना था कि कितना भी आप एसिड डाल दो तो कुछ भी हो जाए औरत कभी कमज़ोर नहीं है एक माँ कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकती है ठीक है एक औरत थोड़ा डर जाती है लेकिन माँ के अंदर है ना अपने बच्चों का भूख उनका दर्द से हिम्मत ज़रूर आ जाती है तो ये चीज़ उनको मुझे दिखाना था मैंने कैसे आ, कुछ लोगों से विक्टीमों से मिलना शुरू किया उनका दर्द सुना तो वो तो मेरे से भी ज़्यादा ये थे एटलीस्ट मैं कवर करके बाहर निकलती थी लेकिन जो सवाइवर्स है वो बिल्कुल भी आना नहीं चाहते अपने घर में तक कवर करके रहते थे तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था ठीक है हम बाहर जाते तो कवर करते लेकिन ये घर वाले के सामने कैसे कवर सकते और जबकि कवर करेंगे तो इतनी बुरी खुजली इतनी बुरी स्टिचिंग शुरू हो जाती है पागल बंदी आ जाती है तो फिर मैंने वो विक्टिमों को इंकरेज किया नहीं हमारा बसूरत है हम नहीं हम खूबसूरत और लोगों को ये दिखाना है हमको कि हम आज भी खूबसूरत है फिर उन्हों, उन्हीं को लेके मैंने ये 2016 में आशीष सर्वाइवर साहस फाउंडेशन फॉर्म किया जिससे हम सब विक्टिम मिलके दूसरे विक्टिम को जैसे उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है या वो लाइफ में पढ़ के कुछ बनना चाहते हैं या उनको काम करना है तो हमारा ऐसे सर्वाइवर साहस फाउंडेशन अभी तक इन तीन सालों में हमने 42 लोगों को हेल्प किया है और 29 नाइन सर सर्ज, की सर्जरी भी करवाई है चार विक्टीम की मैंने शादी भी करवाई है और चार विक्टीम को मैंने घर के लिए भी हेल्प किया है जो लोग मुझे नहीं करना चाहते जैसे मैंने लोगों से मांगा था उन्होंने मेरे लिए नहीं किया लेकिन मुझे वो चीज़ को झुटलाना था कि हमने किसी के लिए कोई चीज़ शुरू करते तो उनको सही में मदद मिलनी चाहिए फिर फायदा है कि आपका ये ट्रस्ट एनजीओ बना के या सोशल वर्क काम करके जो आप नहीं कर पाएंगे और मंथली हम राशन की मदद करते हैं उनको मेडिसिन की करते हैं जॉब लगाते हैं फिर हमने एक ऑल इन ऑल इन वन सुपरमार्केट डाला है जिसमें हम विक्टिम को जॉब देते हैं जैसे हमारा सबसे पहला मोटिव है अवेयरनेस क्रिएट करना जो सोसाइटी हमको एक्सेप्ट नहीं करती हम उन्हीं के सामने उन्हीं के बीच में रह के हम दिखाना चाहते खूबसूरती सब कुछ नहीं होती बोलने और करने में बहुत फर्क होता है ये चीज़ के लिए अगर हम आगे नहीं आएंगे तो हम कमज़ोर बन जाएंगे और हमको ये सोसाइटी को नहीं दिखाना था और आज भी क्राइम हो रहे हैं आज भी लोगों पे एसिड अटैक हो रहे हैं और आज भी औरत के साथ रेप हो रहे हैं ये आज़ाद मुल्क है क्या सच में ये आज़ाद मुल्क है आप थोड़ा सी एसिड इतनी सस्ती चीज़ें आप किसी पे डालते वो अकेला सर्वाइव नहीं करता उसकी पूरी फैमिली सर्वाइव करती है और रेप करके छोड़ देते उसको मार देते क्यों आपकी माँ है बहन है आप ये आज आप शुरू करके इज़्ज़त करना शुरू करेंगे तो हम समाज को बदलाव कर सकते हैं तो प्लीज़ मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ आज इस मंच में जो स्टॉक में मुझे बुला के बहुत अच्छा लगा उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया उसके द्वारा मैं सब जनता से ये अपील करती हूँ प्लीज़ अपनी मेंटेलिटी चेंज कीजिए और ये जो भी केसेस हो रहे हैं औरतों पे अत्याचार उसको रोकिए और सही में उनकी हेल्प कीजिए थैंक यू सो मच अबाउट टू लाइक एंड सब्सक्राइब